हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हनी चिली पटेटो। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम मीडियम साइज़ के आलू लेंगे और उनको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद उनका बाहर का छिलक उतार लेंगे और इस तरीके से उनको काट लेंगे। काटने के बाद इसको एक बाउल में डाल देंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक कढ़ाई में तेल लेंगे, उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर उसमें ये पटेटोज डालेंगे और इनको तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएंगे। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे वैसे वैसे खुद ही अलग होते जाएंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे और उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, थोड़े से तेल डालेंगे और इनको अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद इसमें प्याज, कटा हुआ प्याज और कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और इसको भी 2 सेकेंड पकने देंगे। उसके बाद इसमें सोया सॉस, टमाटो सॉस, चिली सॉस और सेज़वान सॉस डालेंगे। इसी के साथ इसमें थोड़ी सी हनी 2 चम्मच के लगभग शहद डालेंगे और अच्छे से मिलाते हुए, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आप नमक डालेंगे और जो हमारे फ्राई करे हुए आलू थे उनको डालेंगे और थोड़ा सा टॉस करते हुए घुमाएंगे। हमारा हनी चिली पटेटो रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।